माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में बहुत खुश होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएस गेट में क्वेश्चन जरूर आता है। और हमारे पास क्वेश्चन जो है वो, आप मैन क्रॉस आ स्ट्रीट 600 मीटर, ठीक है। एक मैन जो है वो गली को पार कर रहा है जिसका 600 मीटर है, मतलब उसने डिस्टेंस हमें दे दिया। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो 600 मीटर लॉन्ग इन 5 मिनट्स, मतलब टाइम हमें कितना दे दिया है? 5 मिनट्स दे दिया। हमने स्पीड फाइंड करनी इन किलोमीटर पर आवर में। तो इसका सबसे बेस्ट वे कि आप लोगों को सबसे पहले कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। स्पीड होता है, स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है। स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम के इक्वल होता है ना। अब आपको डिस्टेंस भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, और सिंपल आप जो है ना इसकी स्पीड फाइंड आउट कर लें। स्पीड आपने जब फाइंड आउट की तो आपकी आगे 120 मीटर पर मिनट्स कितना होगा? मीटर पर मिनट्स आप लोगों की जो है वो स्पीड आ गई। आपको पता है, उन्होंने कहा है कि किलोमीटर पर आवर में करना है। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती हैं। सिंपल आपने 120 को डिवाइड कर देना 1000 से, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो आपने 1/6 से नीचे डिवाइड कर देना। क्या कर देना है? 1/6 से नीचे डिवाइड कर देना है। सिंपली आप लोगों ने क्या हो गया, ये इस तरह हो गया 1000 बन गया, और ये हो गया 120 मल्टीप्लाई बाय 60, ये 7200 हो गया, और नीचे हमारे पास आ गया 1000। ये 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो 72 को जब आप 100 नीचे 10 हो, ऊपर 72 हो, तो ये कितना आएगा? 7.2। कितना आएगा? 7.2 किलोमीटर पर आर, सी किलोमीटर पर आर में आपका आंसर आ गया। थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली।